हेलो डॉक्टर आईडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो 7 डेज वीकली चैलेंज जो था हमारा स्किल अप चैलेंज, उसका day 2 है और आज हम लोग का टारगेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना। ठीक है, तो बेसिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग ऐसे सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैसे तो देखा जाए तो वो वन वीडियो में कवर करना बहुत है ना हेक्टिक चीज़ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। ठीक है, फिर भी जो हमारा इंडस्ट्री लेवल पे जो बात किया जाए कि एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर पे जो हमारा एक्सेल का जो स्किल और नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विद इन अ वीडियो में हम लोग क्या करें उसको कैप्चर करें। राइट, तो हमारा जो एक्सेल का जो हमारा मेन जो मोटिव है 7 डेज स्किल अप चैलेंज में, उसमें जो हम लोग day 2 में जो कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं वो हमारा ये है कि हम लोग 1 वीक का हमारा जो ये सेशन है, 1 वीक में हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि 1 वीक के सेशन में आपको सारा का सारा जो भी हमारा लाइक गूगल शीट, गूगल शीट हो गया, गूगल स्लाइड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, जिसको हम लोग जी शीट बोलते हैं, तो जी शीट प्लस में माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस पैकेज है, ये दोनों हम लोग क्या करें कंप्लीट कवर करें। ठीक है, जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा, हम लोग की जो टीम है उसने जो एक स्पेसिफिक रिसर्च किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में या फिर ऑफिस पैकेज के बारे में, जो अभी जो करंट मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, अभी जो करंट मार्केट का रिक्वायरमेंट चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग हमने क्या किया, एक कोड डिजाइन किया। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सेल में अभी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड एक्सेल का हमने एक डिटेल्स नोट्स भी बनाया है जो कि आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा या फिर हमारे स्क्रीन पे जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो हमारा स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, उस नोट्स को आप चाहो तो एक्सेल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर पर हम लोग का ऐप अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी हमारे नोट्स क्या है फ्री में है। इवन कि हमारे जो वीडियो क्लासेज है वो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो वीडियो क्लासेज है वो भी आपको क्या होंगे, हमारे वेबसाइट प्लस हमारा जो मोबाइल ऐप है दोनों पे आपको क्या होगा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियोज भी हमारे डेली अपलोड हो रहे हैं ऐप्स पे, हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी हम लोग वीडियो क्या कर रहे हैं डेली का डेली अपलोड कर रहे हैं। एक्सेल पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो जिनके पास एक क्या बोलते हैं सफिशियंट टाइम है वो क्या करेंगे, हमारा जो एक्सेल का जो पूरा का पूरा एक सीरीज है, ठीक है, उस वीडियो को देखेंगे। अराउंड मेरे को लगता है कि 2 to 3 आवर्स, 3 आवर्स के आसपास को वीडियो होगा एंड साथ में अलग से भी वीडियोज हैं आपको, तो उन वीडियो से आपका क्या होगा एक्सेल पे एक अच्छा सा ग्रिप हो जाएगा। इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि हम आपको एक्सेल के बेसिक्स से लेके एक्सेल में जो फॉर्मूला यूज होता है वो, देन एक्सेल में हम लोग फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, पीवोट टेबल क्या होता है, ठीक है, एंड उसमें जो हमारे कुछ लॉजिकल और जो हमारे कंडीशनल फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, तो हमारा जो इस वीडियो में टोटल जो टारगेट रहेगा उन्हीं चीजों को कवर करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल जो हमारा है ये, तो ये एक्सेल का इस टाइप का इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस को अगर हम ऑन करते हैं तो ये हमारा जो ब्लैंक वर्क बुक है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको मैं क्या कर रहा हूँ एक्सेल के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे ये अपना एक्सेल का जो स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन में जैसे वर्ड वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है क्विक एक्सेस बार क्या है, टैब्स कैसे काम करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन में जो टैब्स हैं, टैब्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे, राइट, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ठीक है, पेज लेआउट टैब हो गया, तो ये क्या होगा आपको मोस्टली एप्लीकेशन में सिमिलर मिलेगा। ठीक है, देन फिर भी अगर कोई ऐसा हो जिसमें आपको किसी टैब वगैरह में कोई इशू है, तो जो टैब जो रिक्वायरमेंट है आपका अकॉर्डिंग टू वर्क बेसिस एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसको तो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अनटिल अनलेस उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो उसके लिए हमारा वीडियो पहले से अवेलेबल भी है, उसको भी देख सकते हैं या फिर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सेल में कि हमारा एक्सेल है क्या। ठीक है, तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखाता हूँ अपना, जो हमने नोट्स प्रिपेयर किया है उस पर हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल का नोट्स है जिसको हमने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या किया है, इसको डिजाइन किया है। एंड इस नोट्स में आपको ये अराउंड मेरे को लगता है कि 230 से 240 पेज के आपका उसका नोट्स है, जिसमें आपको एक एक चीज को मैंने मोस्टली क्या कहते हैं उसको अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट लेके ब्लॉग्स एंड जितने भी हमारा मतलब जितना भी पॉसिबल हो पाया है उसको डिटेल में समझाने को, तो उसको हमने कोशिश किया है समझाने के लिए। राइट, तो यहाँ पे एक्सेल को सीखने के लिए वैसे तो मैंने इसको 4 टाइप में क्लासीफाई किया है, ठीक है, जिससे आपको वो समझने में आसानी हो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको 2 टर्म में समझेंगे, एक फॉर्मूला बेस्ड एंड सेकेंड हमारा जो फॉर्मेटिंग बेस्ड है उस बेस में सीखेंगे। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो है क्या।
ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक्सेल भी बोलते हैं, जिसको ऑब्वियसली बात है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें अब स्प्रेडशीट या वर्कशीट क्या होता है हमारा, तो स्प्रेडशीट या वर्कशीट हमारा क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। हमारा रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो 1 2 3 4 आपको 5 दिख रहा है ये हमारा रो होता है, और ये जो ABCD आपको दिख रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेल बेसिकली क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें क्या होते हैं, स्प्रेडशीट बोले तो हमारा वो वर्क एरिया या वर्कशीट जिसपे हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर में काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्प्रेडशीट या वर्कशीट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, जिसको हम लोग सिंगल रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल बेसिकली क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आपको सेल नेम दिख रहा है A1, ठीक है। अब यहाँ पे ये A1 ही क्यों दिख रहा है, ये चाहता तो 1A भी दिख सकता था, ठीक है, लेकिन ये A1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे जो कॉलम्स की संख्या है वो कम है और जो हमें रोज की संख्या वो ज्यादा है। एक्सेल में अगर मैं बात करूँ तो एक्सेल में जो टोटल रोज होते हैं वो होता है 10,48,576 एंड जो हमारा कॉलम होता है वो 16,384, ठीक है। एक तरीके से आपको एक इनफाइनाइट रेंज बोल सकते हैं, आपका जितना भी डेटा है वो आपका इन एक्सेल के एक सिंगल स्प्रेडशीट में क्या होगा, आपका कोई भी डेटा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट मल्टीपल शीट के ऑप्शन होते हैं, यहाँ आपका प्लस वाल आइकन पर हिट करोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शीट को एड ऑन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेल हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे जो है वो आपको सेल नेम दिखा रहा है, जिससे आप कभी भी किसी भी सेल पे जंप कर सकते हो। जैसे सपोज आपको A1 के जगह D5 पे जंप करना है तो आप सीधे क्या कर सकते हो, वहां पे सेल के नेम को लिख के जंप कर सकते हो। ये हमारा फॉर्मूला बार है, जब भी आप कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वो आपको यहाँ FX वाला जो टैब है यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्सेल में जो हमारा ऑफिशियल वर्क में क्या होता है, पहला जो सबसे बेसिक है उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमको जो सेल होता है सेल को हमको मर्ज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से मर्जन सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो वो सेल क्या होगा, मर्ज होकर सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फिर अगर मैं नीचे में बात करूँ इंटरफेस का, तो यहाँ पे 3 टाइप का लेआउट होता है, एक जिसको बोलते हैं नॉर्मल, सेकंड जो हमारा पेज लेआउट होता है, और तीसरा हमारा जो होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक्सेल में हम लोग का जो मैं आपको बता रहा हूँ दो पार्ट में, तो हमारा जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट है एक्सेल का। देन हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग एंड टैब्स वगैरह को सीखेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला में हमारा जो पहला स्टार्टिंग होगा वो होगा सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला से, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई डेटा लिखता हूँ, आप कोई भी रैंडम डेटा लिख लो प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ रैंडम डेटा लिखा। अब लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, इन सारे डेटा को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो सारे डेटा को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक्सेल में हमारे पास क्या है, दो तरीका है। एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंस करके। यहाँ पे सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग रिलेटिव रेफरेंस भी बोलते हैं सेल में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल सेल के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं कोई लॉजिक यूज कर रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा एक लॉजिक यूज कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये A3 है, A3 के पास 20 है, देन मैंने प्लस का आइकन हिट करा, फिर अपने पास A4 की वैल्यू है, फिर मैंने प्लस हिट करा, अपने पास A5 की वैल्यू है, तो इसको मैंने सिलेक्ट करा, प्लस हिट करा। तो इस तरीके से आप चाहो तो इंडिविजुअली प्लस हिट कर करके भी क्या कर सकते हो, आप इनको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, टोटल आ गया। सेकेंड चीज क्या है कि अगर आपको सेल के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करना है, आपको एक रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा इक्वल हिट करने के बाद, इक्वल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले इक्वल का सिंबल हमको लगाना होगा, राइट। तो इक्वल का सिंबल लगाने के बाद अगर आप चाहो तो सीधे आप वैल्यू को लिख के भी क्या कर सकते हो, अपना एडिशन आपको जो है उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट। लेकिन फॉर्मूला का क्या बेनिफिट है कि जब आपके पास डेटा एक या दो से ज्यादा हो, उनको अगर आपको ऐड करना हो, या वैसे मल्टीपल डेटा को अगर आपको एक साथ एग्जीक्यूट कराना हो, तो उसके लिए हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो एक्सेल में जो हमारा सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है वो हमारा क्या है कि हम उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्सेल में जो हमारा एडिशन का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं इक्वल टू सम, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो ब्रैकेट में हमें जो रेंज चाहिए वो रेंज को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, वैल्यू को ऐड करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे
जो सेल रेफरेंस है जिसको हम लोग रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं वो क्या है। तो यहाँ वाले में देख सकते हो, यहाँ पे हम अगर कोई वैल्यू को चेंज करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको 50 से 20 किया, ठीक है, तो बाकी हमारा वैल्यू जिसमें क्या है सेल के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है वो वैल्यू तो चेंज हुआ सेल के वैल्यू को चेंज करने के बाद, लेकिन ये जो वैल्यू है जो कि वैल्यूज पे है सेल के नेम पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेल नेम ना यूज करके हमने क्या किया सीधा वैल्यू यूज किया है, तो वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, तो वो वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका 50 था तो आपको यहाँ पे माइनस 30 करोगे, ठीक है, तेन जाके आपका क्या होगा वैल्यू वो इवेल्युएट करेगा, मैच करेगा, राइट। तो एक्सेल में एडिशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप इक्वल टू सम लिखोगे, देन जो आपका स्पेसिफिक रेंज होगा सेल रेंज जो होगा जो डेटा रेंज बोलोगे या उसको टेबल एरिया भी बोलते हैं, तो उसको आप क्या करोगे सिलेक्ट करोगे, देन आप क्या करोगे उसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। देन सबट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बिकॉज सबट्रैक्शन हमारा सिंपल लॉजिक पे काम करता है, फाइनल माइनस इनिशियल या फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म या फिर किसी भी दो टर्म को ही वो क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए सिंपल सा क्या आप इक्वल हिट करो जिस सेल को, लेट्स सपोज मेरे को B4 को माइनस करना है किससे A4 से, तो आप बस दोनों सेल को सिलेक्ट करो एंटर करो, आपका क्या होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हम के लिए हमारा फॉर्मूला है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला नहीं एक्सेल। तो मल्टीप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, तो आप लिखोगे इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट लिखोगे आप, देन आपको वही एक रेंज देना होगा जो रेंज आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो आपको क्या करेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन का अगेन कोई फॉर्मूला नहीं होता, डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बस इक्वल का सिंबल यूज करेंगे, देन जो वैल्यू है फॉरवर्ड स्लैश जिस वैल्यू से डिवाइड करना है वो एंटर करोगे तो वो क्या करेगा उस तरीके से उसको डिवाइड कर देगा, राइट। तो अभी हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लीकेशन सीखा और डिवीजन सीखा, अब बात करते हैं एवरेज का, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ठीक है, देन ब्रैकेट यूज करेंगे, जहां से जहां तक के डेटा का आपको एवरेज चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लो, देन आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो, ठीक है। तो इन वैल्यूज का ये क्या आ गया आपका एवरेज आ गया। फिर अगर आपको पता करना हो कि इनमें से हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो इक्वल टू आप मैक्स टाइप करोगे और यहां से यहां आप क्या करोगे इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो यहां पे आपका क्या आ गया ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। मिनिमम वैल्यू पता करना है, इक्वल टू आप टाइप करोगे मीन एंड आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लोगे जहां से जहां के बीच का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, एंटर करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेल में अगर हम बात करें सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है, पावर होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो आप इक्वल टू जब लिखोगे ब्रैकेट में आपको जितने का पावर चाहिए, लेट्स सपोज मेरे को 5 का पावर 9 चाहिए, तो आपने 5, 9 किया एंटर किया, ये क्या हो गया आपका 5 के पावर 9 आ गया। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लिखोगे इक्वल टू SQRT देन जितना का भी, लेट्स सपोज मेरे को 625 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैंने लिखा एंटर किया, तो ये क्या कर दिया मेरे को स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया, ठीक है। तो एडिशन हमारा कवर हो गया, सब्ट्रैक्शन हमारा कवर हो गया, मल्टीप्लीकेशन कवर हो गया, डिवीजन कवर हो गया, देन अपना एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया आपका जो हमने किया स्क्वायर रूट और पावर कवर किया। फिर वैसे अगर हम बात करते हैं मुझे LCM निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे इक्वल टू LCM देन ब्रैकेट ओपन करोगे, जिन वैल्यूज का एलसीएम निकालना उनको सिलेक्ट करो एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको SCF या GCD निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप GCD ग्रेटर कॉमन डिवाइजर एंड जो वैल्यू है आप उसको रेंज प्रोवाइड करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा डिवीजन का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी GCD का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला के जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमारे ऑलरेडी एक्सेल के नोट्स में दिया हुआ है। सो फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप क्या कर सकते हो उस नोट्स को, उस PDF को डाउनलोड करके जितने भी फॉर्मूला है उनको आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, राइट। अब आते हैं कुछ लॉजिकल फॉर्मूला पे, ठीक है। तो लॉजिकल फॉर्मूला में अगर हम बात करते हैं अपने पास लॉजिकल फॉर्मूला में कितने टाइप का फॉर्मूला है, तो लॉजिकल फॉर्मूला हमारा इफ हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, वैसे और भी सारे प्रॉब्लम है, और है, एंड है, नॉट है, ठीक है। तो डिटेल जो वीडियो है ऑलरेडी वो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जिनको डिटेल में देखना हो उस वीडियो को कवर करेंगे। फिलहाल जो इंडस्ट्री लेवल पे बात करें या फिर जॉब लेवल पे बात करें, तो जॉब लेवल पे जो यूज होता है वो मोस्टली इफ, काउंट इफ, सम इफ है ना, इन्हीं फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उन फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज कोई मैं सैंपल डेटा लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सम इफ का डेटा मैंने प्रिपेयर किया हुआ है,
अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल नेम के कुछ प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये उनका टाइप है कि किस टाइप का है, कौन सा ग्रास है, कौन सा फायर है, तो उसके है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे, स्क्विटल है अपने पास, ठीक है, अपने पास कारमेंडर है, तो वो हमारे कुछ टाइप है, ठीक है। और उसका यहाँ पे क्या है, कुछ टोटल वैल्यू है, यहाँ पे उसका टाइप है, यहाँ पे उसका नेम है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे बात कर रहा है कि अपने पास जो टोटल मेरे को सम निकालना है, ये अपना क्या है, टोटल है, जिसका मुझे सम निकालना है किसका, ग्रास का, कि अपने पास टोटल जो ग्रास है, ठीक है, वो टोटल ग्रास कितना है, उसका मुझे क्या करना है, एक सम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समिफ निकालना है। तो हम समिफ निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला जो है यहाँ पे ग्रास निकालना है, तो ये हमारा ग्रास का वैल्यू, ठीक है। देन हमारा इसका निकालना क्या है, हमें टोटल सम निकालना है, तो टोटल सम का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे अप्लाई, वो होगा इक्वल टू सम एफ देन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हमारा जो रेंज है, ये हमारा रेंज है, ठीक है। इस रेंज में हमें क्या करना है, इस रेंज में हमें ढूंढना है किसको, ग्रास को। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रास, देन इसका मुझे क्या निकालना, इसका मुझे निकालना है टोटल। वो टोटल हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हमने उसका टोटल रेंज लिया। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये जो हमारा टोटल आया वो किसका आया, कि हमारा जो टोटल जो टेबल डेटा है उसमें टोटल ग्रास की क्वांटिटी कितनी है। वैसे यहाँ पे फायर का बात कर रहा, तो वही सेम फॉर्मूला आप क्या करो, रिपीट करोगे, इक्वल टू सम एफ, ठीक है, ब्रैकेट यूज करोगे, देन आप क्या करोगे, जो रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट करो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जिसमें अब हम लोग को फायर का निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे फायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, देन हमारा जो टोटल का रेंज है, वो टोटल का रेंज हमारा कितना है, ये हमारा जो सी वन में, ठीक है। तो इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारा जो आ गया किसका आ गया, फायर का आ गया। वैसे अगर मुझे वाटर का निकालना है, सेम इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट, आपने ये डेटा सिलेक्ट किया, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, आपको वाटर का निकालना, आपने यहाँ लिखा वाटर, एंड देन आपने जो हमारा टोटल रेंज है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ जो टोटल हमारा रेंज है उस रेंज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये हमने रेंज को सिलेक्ट किया एंड एंटर किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका रेंज आ गया। अब यहाँ कोई वैल्यू हमारा मिसप्लेस हो गया, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके लिख देते हैं, लेट्स सपोज 410, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टोटल वैल्यू ऐड होके इवेल्यूएट होके आ गया, ठीक है। तो समय बेसिकली क्या करता है, हम लेट्स सपोज कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम लेट्स सपोज कि कोई हम सेल्स टीम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब उनमें से मुझे ये पता करना पर्टिकुलर कि मेरा पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कि हम लोग एक किसी गैजेट्स या फिर किसी मोबाइल शोरूम पे काम कर रहे हैं, राइट। तो मोबाइल शोरूम पे हम काम कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में ही हम काम कर रहे हैं, मोबाइल कंपनी। सो लेट्स सपोज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सैमसंग एक कंपनी उसके साथ वर्क कर रहे हैं। तो सैमसंग क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन्स भी आते हैं, टीवी भी आता है, वॉशिंग मशीन भी आता है, एयर कंडीशन भी आता है, एंड वैसे उसके कूलर फ्रिज वगैरह सारा कुछ आता है। अब मान लो एज अ सेल्स पर्सन आपको क्या करना है, या फिर एज ए मैनेजर आपको सेल्स पर्सन से कुछ डेटा चाहिए, या फिर आपको स्टॉक देखना है कि आज अगर मैं बात करूँ तो मेरा पर्टिकुलर जो टीवी है वो कितना सेल हुआ है, कितने क्वांटिटी का सेल हुआ है, या फिर हमारा फ्रिज है तो फ्रिज कितना सेल हुआ है, तो वो सारा चीज अगर मुझे काउंट करना हो या सम करना हो, तो हमारे पास क्या है, समिफ का फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग समझते हैं काउंटिफ, तो काउंटिफ का मैं डेटा आपके सामने ऑन करता हूँ, ठीक है। तो काउंटिफ बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे मल्टीपल आपको यहाँ आइटम्स दिख रहे हैं, इनमें से मुझे क्या करना, पर्टिकुलर किसी एक आइटम को काउंट करना, तो यहाँ पे डेटा, ठीक है। अब इस डेटा में से मुझे चेक करना है कि मेरे पास टोटल ग्रास कितना है, वाटर कितना है, ये सारा मेरे को क्या करना है, रिसोर्सेज को चेक करना है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट हमारा जो रेंज है, अब मुझे ग्रास को काउंट करना है, तो वो हमारा इसमें है टाइप, ये जो हमारा बी वाला कॉलम है उसमें, तो मैं उस रेंज को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रास का काउंट करना है, मैं यहाँ ग्रास लिखूंगा, देन हम ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपको ग्रास की क्वांटिटी बता रही है, टोटल जो ग्रास है अपने पास कितना है, 1 है। वैसे वाटर काउंट करना है, तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट में आप क्या करोगे, रेंज को सिलेक्ट करोगे, ये आपका रेंज हुआ, और इस रेंज में मुझे किसको काउंट करना है, वाटर को,
तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा वाटर और मैं एंटर किया, ठीक है। तो जो टोटल अपना वाटर है वो कितना है, 6 है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल पे अगर हम लोग समझे यहाँ पे, तो एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ बना देता हूँ। लेट्स सपोज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे अगर मुझे क्या करना है, किसी का अटेंडेंस या किसी का मुझे सैलरी प्रिपेयर करना हो, वो जो कि अटेंडेंस के बिहाफ हो, तो मुझे क्या करना है, किसी को अटेंडेंस मैनेज करना है। तो मेरे पास एक्सेल है, एक्सेल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉई नेम, ठीक है, और एम्प्लॉई नेम का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डेटा बना दिया मंथ वाइज। मैं सपोज या मैं वीकली एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको वीकली अरेंज करेंगे। तो यहाँ हमने एक डेटा अरेंज किया। अब ले सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो अपना वीक हो गया। फिर यहाँ पे मुझे निकालना है कि वो प्रेजेंट कितना दिन रहा है कोई एम्प्लॉय, और एब्सेंट कितना दिन रहा है, मुझे ये अटेंडेंस काउंट उसका करना है। तो लेट्स सपोज मैं एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे ABC कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कोई अपने एम्प्लॉई हैं, ठीक है। अभी एम्प्लॉई में कोई संडे को एब्सेंट था, मंडे को प्रेजेंट था, ट्यूसडे को प्रेजेंट था, वेडनेसडे को प्रेजेंट था, थर्सडे को एब्सेंट था, फ्राइडे को प्रेजेंट था, और सैटरडे को प्रेजेंट था, ठीक है। कोई सेकेंड एम्प्लॉई है जो संडे प्रेजेंट है, मंडे प्रेजेंट है, ट्यूसडे प्रेजेंट है, वेडनेसडे प्रेजेंट है, फिर एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट, ठीक है। फिर कोई एम्प्लॉई है जो ये इस तरीके से अपना क्या मैंने किया, एक डेटा बना लिया। अब यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि ये टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू काउंटेड ब्रैकेट में जो अपना रेंज है वो क्या है, ये रेंज है, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हमने काउंट करना है एब्सेंट को। तो यहाँ मैंने ए को लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो ये दो दिन, सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट को काउंट करना था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पी लिखूंगा, एंटर करूँगा, जो क्या पहला जो एम्प्लॉई वो 5 दिन प्रेजेंट रहा है, सेल हैंडल के हेल्प से उसको ड्रैग करते हैं, तो बाकी एम्प्लॉई क्या है, तो एक 5 डे प्रेजेंट है, एक 6 है, एक 4 है, तो मुझे एब्सेंट निकालना है। तो इक्वल टू काउंटेस ब्रैकेट ओपन, यहाँ मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एब्सेंट, और ये मैंने एंटर किया। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सेंट का काउंट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समीप और काउंटेड का यूज करके क्या कर सकते हो, एक एक स्पेसिफिक डेटा जिसको मैं बात कर रहा हूँ उसको आप निकाल सकते हो। यानी अगर आपको अटेंडेंस मैनेज करना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है और ये काफी इफेक्टिव फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस पर, ये हमारा लॉजिकल कंडीशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, लॉजिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, लुकअप फॉर्मूला के बारे में। तो लुकअप फॉर्मूला में बेसिकली अपने पास क्या है, हम एक सेल्स डेटा लाते हैं कंपनी का, जिसमें आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये अपने पास क्या है, एक डेटा है, ठीक है, वो अराउंड 10,000 सेल्स का डेटा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल फील्ड है, रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, रीजन है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, ठीक है। टोटल अपने पास यहाँ 21 फील्ड्स हैं, और ये 21 फील्ड्स में से मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक एक लुकअप बेसिकली किस तरीके से हमारा काम करता है। तो लुकअप हमारा क्या करता है, किसी एक यूनिक वैल्यू या यूनिक आईडी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो उसके फील्ड्स हैं, रिलेटेड फील्ड हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज कि एक स्कूल में 200 या 400 बच्चे हैं, तो उन 400 बच्चों में से मुझे किसी एक स्पेसिफिक बच्चे का डेटा निकालना है, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका जो फीस पेंडिंग है वो, उसका कोई ड्यूज है वो,
उसका अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले रहा है, उसका कोई लाइब्रेरी ले रहा है, तो जितने भी हमारे उसके साथ जितने भी हमारे रिलेटिव फील्ड्स हैं उनका मुझे क्या करना, डिटेल्स निकालना। तो यूनिक फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिक फील्ड हमें क्यों चाहिए। तो ले सपोज कि पॉसिबिलिटी क्या है कि एक नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, एक नाम का दो प्रोडक्ट हो सकता है, दो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो नेम मैच कर सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है, नेम मैच कर जाएगा, एड्रेस मैच कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे इन चीज़ों से बचने के लिए स्कूल्स वाले, यूनिवर्सिटी वाले या कंपनी वाले क्या यूज करते हैं, रोल नंबर यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी यूज कर सकते हैं या फिर एनरोलमेंट नंबर यूज कर सकते हैं। तो ये जो रोल नंबर है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये जो एनरोलमेंट नंबर है, वो क्या करता है, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है कि हाँ इस रोल नंबर पे यही पर्टिकुलर बंदा हो सकता है, क्योंकि दो बंदे का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, दो बंदे का सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ वाला डेटा में अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंट है वो अपना क्या है, रॉ आईडी है। बाकी अगर मैं ऑर्डर आईडी की बात करूँ ये भी अपना कॉमन है, ऑर्डर डेट की बात करूँ ये भी कॉमन है, शिप डेट की बात करूँ ये भी कॉमन है, शिप मोड की बात करूँ ये भी कॉमन है, कस्टमर आईडी कॉमन है, कस्टमर नेम कॉमन है, सेगमेंट जितने भी फील्ड्स हैं ये सारे फील्ड्स क्या है हमारे कॉमन है। यूनिक क्या है अपना, यूनिक है अपना रॉ आईडी। अब ले सपोज कि मैं किसी रॉ आईडी को लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा 10 रॉ आईडी, तो इस 10 रॉ आईडी से मैं जैसे ही रॉ आईडी में 10 लिखूं मुझे क्या क्या फील्ड पता चल जाए। तो जैसे मैं 10 एंटर करूं मुझे कस्टमर का नेम पता चल जाए, मुझे कस्टमर का स्टेट पता चल जाए, मुझे कस्टमर का जो ऑर्डर वैल्यू है, जो सेल्स वैल्यू है वो पता चल जाए, एंड उस कस्टमर से मुझे क्या कितना प्रॉफिट हुआ वो पता चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फील्ड बना रहा हूँ, पहला फील्ड बनाया हमने रो आईडी का। रो आईडी के हेल्प से मुझे क्या पता करना है, कस्टमर का नेम, देन मुझे पता करना है कस्टमर का स्टेट, किस स्टेट का कस्टमर है, देन कस्टमर का मुझे सेल्स पता करना है, क्या सेल्स हुआ, एंड उस पर कितना का प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो मुझे पता करना, ये फील्ड मेरे को पता करना है उसमें से, ठीक है। चाहो तो मैं पूरा का पूरा फील्ड भी पता कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चार इन्फॉर्मेशन है वो मैं रॉ आईडी से निकालना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने रॉ आईडी लिख दिया 10। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो मेथड है, एक है अपना लुकअप, दूसरा है मेरा वी लुकअप, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रॉ आईडी से वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं, राइट। तो यहां पे पहला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, इक्वल टू लुकअप, देन हमने ब्रैकेट यूज किया। अब लुकअप के बाद यहां पे हमें चाहिए सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूं ये जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम अपना यू है, तो पहला कॉलम हमारा ए से शुरू होगा और डेटा मैंने बोला कि अपने पास अप्रोक्स 10,000 है, तो यहां से मैंने लिखा A1 कॉलन यू 10,000। टोटल डेटा अपने पास कितना है, A1 से U1। अब इसमें मुझे किसको देखना है, इसमें मुझे देखना है कस्टमर के नेम को। तो कस्टमर का नेम हम देखते हैं, कस्टमर का नेम हमारा कौन से टैब में, कौन से कॉलम में है। तो यहाँ कस्टमर का नेम अपना हमारा किस में है, G कॉलम में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, A1 से U100 के बाद मुझे किसको देखना है, G1 से G10,000 के बीच में मुझे क्या करना, डेटा देखना, ठीक है। अब यहाँ इनिशियल में अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल में मुझे ये जो लुकअप का रेंज है, अब इस रेंज में मुझे देखना किसको है, तो ये रॉ आईडी को देखना है। तो सबसे पहले मेरा क्या हो गया, ये जो रॉ आईडी है वो अपना क्या है X8, देन हमने कॉमा लगाया और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे एक पूरा का पूरा रेंज, ठीक है, जिसमें X8 हमारी क्या हो गया, रो आईडी हो गया, A1 से U10,000 हमारा लुकअप फैक्टर हो गया, एंड G1 से G10,000 हमारा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया। अब जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है, तो ये उसका नेम मेरे को बता दिया कि जो 10 नंबर है, 10 नंबर पे जो कस्टमर नेम है उस कस्टमर का नेम क्या है, ठीक है। तो जी वाले कॉलम में आते हैं हम लोग एक बार, यहाँ से 10 नंबर वाले पे, यहाँ जो 10 नंबर का डेटा है इसमें कस्टमर का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना डेटा है वो सही तरीके से फिगर आउट करके यहाँ पे उसने निकाल के मेरे को दे दिया। अब सेकंड मुझे पता करना है कस्टमर का स्टेट, सेकंड सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा लुकअप, एंड लुकअप के पद में ब्रैकेट लगाऊंगा,
यहाँ रॉ आई डी पे देखना, रॉ आई डी को मैंने सिलेक्ट किया, लुकअप वेक्टर हमारा कितना है A1 से लेके U 10,000, ठीक है। अब इनमें हमारा रिजल्ट वेक्टर कौन सा है तो उसके मुझे क्या पता करना है, नेम के बाद स्टेट मुझे देखना होगा, स्टेट हमारा किस में है, के वाले कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, K12 K 10,000, ठीक है। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये क्या होगा, उसका स्टेट निकल के आ जाएगा। तो ये तो था अपना लुकअप फार्मूला। वी लुकअप भी फार्मूला हमारा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल का नेम न लिख के सेल का जो नंबर है, जो पोजीशन है, उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने वी लुकअप, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे हमने रॉ आई डी सिलेक्ट किया, देन कॉमा, अपना टेबल रेंज सेम है A12 लेके U 10,000। अब यहाँ पे जो हमें निकालना है सेल्स, तो सेल्स हमारा किस में है, बेसिकली सेल्स हमारा है आर कॉलम में। अब ये आर का जो पोजीशन है नंबर सिस्टम में, अगर हम आर की बात करें तो आर कौन से पोजीशन पे, जैसे ए हो गया हमारा पहले पोजीशन पे, बी हो गया सेकंड पोजीशन पे, सी हो गया थर्ड पोजीशन पे, वैसे आर कितने नंबर पे, ठीक है। तो आर हमारा है, अगर हम काउंट करते हैं तो आर कितने नंबर पे, हमारा ए बी सी ऐसे करके, ई हो गया हमारा 5, ठीक है, एफ जी एच करके, वैसे करके हमारा आर हमारा कितने नंबर पे हो गया, 18 नंबर पे हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18, एंड देन यहाँ पे हमको एक कंडीशन लगाना होता है। जब भी हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक कंडीशन लगाना होता है। कंडीशन यहाँ पे दो होता है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ट्रू जो कंडीशन होता है वो होता है अप्रोक्स मैच के लिए, मतलब लगभग, और फॉल्स होता है हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ पे मैं कौन सा कंडीशन यूज करूंगा, फॉल्स कंडीशन यूज करूंगा, देन मैं क्लोज करके एंटर करूंगा, तो ये मुझे क्या कर दिया, उसका सेल्स वैल्यू दे दिया, ठीक है। वैसे ही हमारा यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, ठीक है। तो अब हमारा जैसे लास्ट में हमें क्या करना है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट वाले को भी हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करके लगाते हैं। तो इक्वल टू वी लुकअप, एंड फिर हमारा जो रेंज है, पहला तो हमारा क्या है, जो लुकअप वैल्यू वो हमारा क्या है, रॉ आई डी, तो उसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा। अब हमें चाहिए रेंज, तो रेंज हमारा कितना है, A1 से लेके U 10,000, एंड फिर हमारा यहाँ पे है जो इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ मुझे निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा किस में, यू में, तो आर हमारा 18 पे था, तो 19.21, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 21, देन हमारा कंडीशन, तो कंडीशन यहाँ पे दोबारा क्या करेगा, फॉल्स, यहाँ कंडीशन हमने लगाया फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो ये हमारा क्या आ गया, उसका प्रॉफिट वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कितना बड़ा भी डेटा क्यों ना हो, कितना भी हमारा सेल्स डेटा क्यों ना हो, उसमें से अगर मुझे क्या करना है, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू पे अगर मुझे कोई रेंज निकालना हो या कोई भी डेटा निकालना हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर हमारा जो एक यूनिक आईडी है, उस यूनिक आईडी के बिहाफ पे हम लोग सारा का सारा जो भी उसके साथ जो भी हमारा क्या बोलते हैं फील्ड है, रिलेटिव फील्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है हमारा लुकअप, वी लुकअप, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम लोग फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला जो हमारा था सारा सिंपल मैथ से लेके लॉजिकल से लेके कंडीशनल से लेके लुकअप, ठीक है, सारा फार्मूला हमारा कवर हो गया, ठीक है। नाउ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो सेकेंड है वो हमारा क्या है, टेबल्स के बारे में, पीवोट टेबल हो गया हमारा, ठीक है। तो पीवोट टेबल को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, अगर उतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगा तो किसी भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, ईजिली जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आपके पास एक्सेल का नॉलेज होगा तो आप ईजिली किसी भी टाइप का, चाहे वो मैनेजमेंट की बात कर ले या कोई भी, अगर हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल का, वो आपका क्या हो जाएगा, इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग किसको, इसी डेटा को हम लोग देखते हैं पीवोट वैल्यू पे, ठीक है। तो पीवोट टेबल बेसिकली हमारा क्या है, हम इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पीवोट टेबल है, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिकमेंडेड पीवोट टेबल, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पीवोट टेबल होता क्या है, पीवोट टेबल क्या करता है, हमारे डेटा को एनालाइज करके हमें एक स्मार्ट समरी देता है, जिससे मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया पे या किसी पर्टिकुलर रीजन पे मुझे ट्रैक करना है कोई भी अपना परफॉर्मेंस, जैसे ये सेल्स ऑर्डर है, इस सेल्स ऑर्डर में अगर मुझे ये पर्टिकुलर टारगेट करना है कि हमारा पर्टिकुलर कंट्री में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है सेल्स का, पर्टिकुलर स्टेट में कैसा रहा है परफॉर्मेंस सेल्स का,
पर्टिकुलर सिटी में कैसा रहा है, फिर कस्टमर वाइज कौन सा कस्टमर है जो हमारे लिए वैल्यूबल रहा है, कौन सा कस्टमर है जो लेस वैल्यूएबल रहा है, तो इस टाइप से क्या करेगा, वो डेटा को रेकमेंड करेगा। तो यहाँ जब हम रेकमेंड पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है सम ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेट, ठीक है, वो स्टेट के हिसाब से प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ सम ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन, वो रीजन के हिसाब से हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। फिर सम का दिखा रहा है इसके हिसाब से, काउंट के हिसाब से जो एसेट है, एसेट के हिसाब से सम ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो एरिजोना है, उसका जो सम ऑफ प्रॉफिट है नेगेटिव है, ठीक है। अलबामा है, उसका जो प्रॉफिट है वो हमारा पॉजिटिव है। कैलिफोर्निया है, उसका सेल्स हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। उसी से पर्टिकुलर रीजन बात कर रहे हैं तो चार रीजन में उसने डेटा को क्लासीफाई किया, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एक रिकमेंडेड टेबल दे रहा है जिसको आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो पीवो टेबल क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। तो उसके लिए जब आप पीवो टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेंज अपने आप उसने सेलेक्ट कर लिया टोटल डेटा का, आप न्यू वर्कशीट पे क्या करो, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करो। नाउ आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ड्रॉप वैल्यू फील्ड्स और ड्रॉप रो फील्ड्स, ठीक है। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है किस बिहाफ पे मुझे क्या करना है, पता करना है। तो मान लो मुझे मुझे पर्टिकुलर क्या करना है, कस्टमर का, ठीक है। यहाँ मैंने कस्टमर नेम लिया और कस्टमर नेम के हिसाब से मुझे पता करना है उनके सेल्स को, ठीक है। तो कस्टमर नेम के हिसाब से मुझे उसका सेल्स ट्रैक करना है, तो पहला मैंने कस्टमर को चेक किया, सेकेंड हमने सेल्स को चेक किया। तो यहाँ पे आप फील्ड देख सकते हो, ये कस्टमर नेम के हिसाब से उसका सेल्स ट्रैक कर रहा है। अगर मुझे पता करना है कस्टमर का साथ में कि वो कौन से रीजन से, कौन से स्टेट से, तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेबल में जाके मैं उस पर्टिकुलर स्टेट को जब चेक करूंगा तो ये क्या करेगा, उस कस्टमर का स्टेट बता देगा। ये जो कस्टमर है वो तीन स्टेट से ऑर्डर किया है, ओक्लाहोमा, टेक्सास एंड वॉशिंगटन से। फिर सेकंड जो कस्टमर है एरन हॉकिंस, उसने कहाँ से लिया है, कैलिफोर्निया से, मिसिसिपी से, न्यूयॉर्क से, पेंसिल्वेनिया से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पीवो टेबल पे यूज करके एक स्मार्ट डेटा, ठीक है, डेट इज टोटली एनालाइज बाई एक्सेल का जो स्मार्ट एआई टूल है, उसके हेल्प से उसने क्या किया है, हमें एक पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा रॉ डेटा है, रॉ डेटा हमारा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है बिकॉज डेटा हमारा ज्यादा है, तो उस डेटा के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्मार्ट फिल्टर अप्लाई किया, डेट इज पीवो टेबल, और उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, आपको एक समराइज डेटा दिया। कस्टमर के परफॉर्मेंस की बात कर ले, स्टेट की बात कर ले, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीवो टेबल का यूज करके एक स्मार्ट हम लोग फिल्टर अप्लाई करके अपने सेल के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो पीवो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सेल्स को ट्रैक करने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। हम यहाँ इंडिविजुअल कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, स्टेट को ट्रैक कर सकते हैं, रीजन, सारा ऑप्शन अपने पास है, राइट। तो ये था हमारा पीवो टेबल। अगर अब हम बात करते हैं एक्सेल के उन सीट्स के बारे में, लेट्स सपोज यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ टैब्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे टैब्स में जो हमें जो सीखना है वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है, अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रूल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रूल्स दिख रहे हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट। तो ये जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये जो रूल है वो कैसे काम करता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक सेल रेंज डिफाइन करता हूँ, ये मैंने G1 से लेके एक स्पेसिफिक रेंज लिया, और यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके सेल पे हाईलाइट कंडीशन का रूल सेट कर रहा हूँ, जिसमें मेरा जो कंडीशन मैं ले रहा हूँ, जो रूल ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ ग्रेटर देन का। अब ग्रेटर देन जो हमारा रूल है, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है वैल्यू। लेट्स सपोज कि मुझे उन वैल्यू को हाईलाइट करना है जो सेल में वैल्यू जो है वो 500 से ज्यादा हो, तो जब भी कोई वैल्यू हमारा 500 से ज्यादा हो तो उसको क्या करे, एक अलग तरीके से फॉर्मेट कर दे। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे इस स्पेसिफिक रेंज जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें 500 से ज्यादा वैल्यू लिखूंगा तो उसको क्या करेगा, वो अलग तरीके से फॉर्मेट करेगा, सो डेट कि उससे हम क्या करें, हमारा डेटा फिल्टर हो सके। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिकली काम क्या है, आपके डेटा को फिल्टर करना अकॉर्डिंग टू जो भी आप रूल सेट करोगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहां जैसे 500 से नीचे का वैल्यू रहेगा उसको हाईलाइट नहीं करेगा, 500 से जो भी वैल्यू ऊपर का रहेगा उसको वो क्या करेगा, जो हमने कंडीशन सेट किया था कि लाइट ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है, तो वो हमने फॉर्मूला सेट किया था, ठीक है।
दूसरा रूल देखते हैं इसमें, तो हाईलाइट्स इस रूल में दूसरा फिर आपके पास क्या है, लेस देन का है, बिटवीन का है, इक्वल टू का है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स है, अ डेटा अगरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स का। तो यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स की बात कर रहा है, टॉप 10% की बात कर रहा है, बॉटम 10 आइटम की बात कर रहा है, बॉटम 10% की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप देखोगे, वैसे आपका क्या डेटा बार से जो क्या करेगा, आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। सपोज हम यहाँ पे एक रेंज लेते हैं, ये हमने रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम फिर गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हमने यहाँ पे डेटा बार का एक रूल सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा बार हमारा जैसे हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 50,000, ठीक है, फिर यहाँ मैंने लिखा 20,000, फिर मैंने लिखा 35,000। तो ये क्या कर रहा है, उसके प्रोग्रेस को एज अ बार बता रहा। अब यहाँ से आपको लेवल समझ में आ रहा है, 50,000 वो मैक्सिमम वैल्यू उसने लिया, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा बार दिखा रहा है उसके परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, किसके साथ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है, जो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर का या फिर एक्सेल पे, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहां पे हमारा जो डेटा मैनिपुलेशन की बात करें, डेटा फिल्टर की बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक किसी भी परफॉर्मेंस को, या चाहे वो सेल्स की बात कर लो या एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, अगर मुझे उसको ट्रैक करना है तो मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन हमारा डेटा टैब में मिलेगा, डेटा टैब में आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी ऑप्शन है, फिल्टर वगैरह सारा कुछ, वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी एक्सेल का जो है हमारे वेबसाइट पे और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हो। यहाँ हम लोग देखते हैं किसका, डेटा वैलिडेशन का। तो डेटा वैलिडेशन के लिए भी मान लो मैं एक स्पेसिफिक ये रेंज लेता हूँ, इन रेंज पे मैं डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ मैं डेटा वैलिडेशन पे जब क्लिक करूंगा तो अपने पास क्या होगा, एक डेटा वैलिडेशन टाइप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एनी वैल्यू, फिर आ रहा है बिटमैन। तो यहाँ पे एनी वैल्यू से मान लो मैं लेके चलता हूँ होल नंबर, और यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या, बिटमैन। तो बिटवीन के जगह पे अगर मान लो नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, मैं यहाँ पे मान लो बिटवीन ही लेके चलता हूँ कि बिटवीन 5,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम हमारा है 50,000। जो भी उस सेल में एंट्री होगा वो 5,000 से 50,000 के बीच में ही वो एंट्री को अलाउ करेगा, अदरवाइज बाकी एंट्री को वो क्या करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है इनपुट मैसेज का। अब इस इनपुट मैसेज का मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं उसको ऑप्शन कि अलर्ट, इनपुट मैसेज है कि काइंडली एंटर वैल्यू बिटवीन 5,000 टू 50,000। अगर वो 5,000 से 50,000 के बीच के वैल्यू को एंटर नहीं करता तो उसके लिए अलर्ट किया जाएगा। तो यहां पे अलर्ट जाएगा वार्निंग, और यहां मैसेज किया जाएगा आपका इन वैलिड डेटा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, वो कंडीशन अप्लाई कर गया, बाकी किसी सीट पे अप्लाई नहीं है, वो जो हमने रेंज सेलेक्ट किया वहां पे अप्लाई। तो यहाँ जैसे ही वैल्यू मैं 5,000 से ऊपर मैं मान लो 5,600 लिखता हूँ या 5,500 लिखता हूँ तो उसको तो वो अलाउ कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 50,000 से ऊपर का या 5,000 से नीचे का 499 में लिखता हूँ तो वो मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है वार्निंग के फॉर्म में, डेटा क्या बोल रहा है, इनवैलिड। सो यू कैन रीट्राई हियर और यू कैन कैंसिल। तो जब आप रीट्राई करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू फिर लिखना होगा, मान लो मैं लिखता हूँ 5,000, तो वो उसको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या था, डेटा वैलिडेशन था। तो इस वीडियो में हमने कवर किया सिंपल मैथमेटिक्स फार्मूला, देन कंडीशनल फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला, लुकअप फार्मूला, फिर हमने कवर किया इसमें पिवोट टेबल, फिर हमने कवर किया इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन। तो एक्सेल में अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो कौन सा स्किल्स है जो आपको सीखना जरूरी है, तो अगर आपको सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन आता हो, अगर आपको लॉजिकल फार्मूला पता हो, अगर आपको कंडीशनल फार्मूला पता हो, अगर आपको लुकअप वैल्यू फाइंड करने आता हो, किसी पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू के रिगार्डिंग आपको कोई रिलेटिव फील्ड्स को पता करना हो तो उसके लिए आपके पास क्या है, लुकअप फार्मूला है। देन मुझे सेल्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए अपने पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन है, ठीक है। एक और है आपको जिसको क्या कर सकते हो, आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं,
इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्डर्स की, तो मुझे मान लो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम जो है, ठीक है, इस कस्टमर नेम पे मुझे क्या करना है, या फिर उस पूरे टैब पे मुझे क्या करना है, एक फिल्टर अप्लाई करना है। तो फिल्टर अप्लाई करने का जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट डी एफ, सॉरी, जो फिल्टर अप्लाई करने का फॉर्मूला है वो क्या है, ऑल्ट डी एफ एफ। जब आप ऑल्ट डी एफ एफ लगाओगे तो यहां देख सकते हो आप फिल्टर अप्लाई हो चुका है। देन यहाँ फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप इसको अनचेक करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के डेटा को ट्रैक कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एडम है हमारा, इस एडम कस्टमर का मुझे क्या करना है, डेटा मुझे ट्रैक करना है, मैं ओके करूंगा, बाकी हमारा डेटा क्या होगा, हाइड हो जाएगा और सिर्फ जो एडम जो हमारा कस्टमर है उसका डेटा हमको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो फिल्टर लगाना इंपॉर्टेंट है, फिल्टर लगा के आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे जो आपका डेटा है ये एडम कस्टमर का, अब इन डेटा को अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा जो रेंज है उस रेंज को आप सिलेक्ट करके, यहां से मान लो मैं डेटा को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ जितना वो हमारा कस्टमर है और उसका जो भी ट्रैक है उसको मैंने यहां से सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे एक सेल स्टाइल लगा दिया येलो कलर में, ठीक है। देन मैं जब यहां से क्या करूंगा, फिल्टर हटाऊंगा यहां से कस्टमर नेम से, मैं क्या करता हूँ कस्टमर नेम से मैं फिल्टर को यहाँ सेलेक्ट ऑल पे करके जब ओके करूंगा तो मेरा जो सारा डेटा जो विजिबल हो रहा है उसमें से वो डेटा जिसको मैंने येलो से फॉर्मेट किया है वही डेटा हमारा क्या करेगा, यहाँ पे आके हाईलाइट हो जाएगा, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा जिस डेटा को हमने क्या किया है, अप्लाई किया है, राइट। तो यहाँ पे मुझे डेटा देखना होगा कौन सा डेटा है, वो जो कस्टमर है, ठीक है, जिसपे हमने डेटा लगाया उसको जो हमने फॉर्मेट किया है, ठीक है, वो फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि नहीं, डेटा हमारा बहुत क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमने जो उसको येलो फॉर्मेटिंग किया है वो अप्लाइड है या नहीं, ठीक है, तो हम चेक करते हैं डेटा में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो वो कस्टमर को पे हमने जो अप्लाई किया था फिल्टर वो क्या कर दिया, एक अलग कलर में हाईलाइट होके आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। और सपोज एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि अपने पास 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड डिवीजन है, बहुत सारे हैं जो संभव फेल हो चुके हैं और संभव कोई कुछ टॉपर है, उन सबको मैंने क्या किया, फिल्टर लगा के अलग अलग कलर में उसको क्या कर दिया, हमने फिल्टर कर दिया। देन जब अपने पास लिस्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है जी, येलो को मैंने टॉपर के लिए किया हुआ है, ग्रीन को मैंने फर्स्ट डिवीजन के लिए किया है, ठीक है, सेकेंड को मैंने ऑरेंज से किया है, फेल को मैंने रेड से किया, तो वो अलग अलग कलर से हम क्या करेंगे, डेटा को फिल्टर और आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप उसको फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप का कॉन्टेंट लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय।